क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? X3 पढ़ा था कौन सा? सर, वो वाला के ही इज नॉट शी इज नॉट माय क्लासमेट शी इज माय फ्रेंड, वो वाला X3। शी इज माय चाइनीज टीचर, ये वाला चैप्टर पढ़ा था हमने। हाशियो वो हाशियो वो द हैं यू लव सर। चले जी, हम से पहले टेक्स्ट कौन कौन सा टेक्स्ट पढ़ा था हमने? टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 सर, हमने ये भी टेक्स्ट 3 भी पढ़ लिया। हां टेक्स्ट 3 भी पढ़ा था इसका। ठीक है जी, चले स्टार्ट करें दोबारा, एक दफा हम रिवीजन करेंगे इसको। टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3 पढ़ना है, ठीक है? टेक्स्ट 1 तो हमने 3 दिन थर्सडे वाली क्लास में पढ़ा था मेरे ख्याल से, तो टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3 आप लोग पढ़ेंगे और मैं सुनूंगा, ठीक है? कैशियर स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। निशे ना कोरन गुड, सारे पढ़े सर, सारे पढ़े मिलके पढ़े। इच्छी तो चिंता संतु निशी ना कोरन गुड कंटिन्यू। ओके बाउशी में कोरन नीना बाउशीर पाकिस्तान रन बाउशी पाकिस्तान रन नीना बाउश कंटिन्यू बाउशी चुंग कोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ये रिवीजन वाला, प्लीज आप सारे पढ़े इस दफा ताकि इससे अंदाजा हो। ठीक है था पुशी वो थंग शुए था शी वो पंग्यू गुड। इसमें मसला किसी को? टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 सबको रीडिंग आती है, रीडिंग के बाद मीनिंग में किसी को मसला या कोई सर वर्ड? मुझे ही और शी का जो है ना इसमें कंफ्यूजन है, ये दोनों की समझ नहीं आ रही, मतलब क्या है डिफरेंस ही और शी का जो है ना। गुड सही है क्वेश्चन, तो डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इसमें कैरेक्टर का डिफरेंट है, बाकी इसकी जो प्रोनंसिएशन है टोटली सेम है। ही वाले में ही वाला जो था है, उसमें भी फर्स्ट कैरेक्टर है, और सी वाला जो था है उसमें भी फर्स्ट कैरेक्टर है। इनकी जो प्रोनंसिएशन है टोटली सेम है, और जो रिटन है इनकी राइटिंग वो डिफरेंट है। तो पहले लिखने उसमें में डिफरेंट होगा। हाँ लिखने में डिफरेंट है लेकिन बोलने में सेम है, समझ में आ गई जी? इसमें देखें पहला वाला जो ही वाला जो था है, आपने देखा है वो कैरेक्टर कैसा ही वाला? जी जी, बस वो लिखने में मुझे डिफरेंस लग रहा था, लेकिन पढ़ने से और मतलब ऊपर जो साइन वगैरह लगे थे पढ़ना टोटली सेम है। उसकी जो स्पोकन नहीं, पढ़ना सेम है और रिटन टोटली अलग है। ठीक चलो, अगर ये रिटन हमारी क्लास होती ना, कोई रिटन क्लास भी होती तो ये मैं बहुत सही से समझाता, लेकिन हमारी स्पोकन की क्लास है। लेकिन खैर हमारे जो नेक्स्ट बैच होगा इंशाल्लाह आप लोग फिर से आओगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि रिटन क्लास भी रखें और स्पोकन भी रखें। कोशिश कितने पेज हैं ये इसके? जी पेज कितने हैं ये चाइनीज लैंग्वेज में? 6 ये हम 1 में इस टाइम टोटल 6 है। वो सारे 1 मंथ के हैं? नहीं ज्यादा भी हैं, सही तकरीबन जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना
टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा और जितना मतलब जितना कोर्स छोटा होगा, जैसे अभी नेक्स्ट वाला होगा 2 होगा, अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहोगे तो उसके तकरीबन 1.5 महीना लग जाएगा फेस टू के लिए. अभी जो हम पढ़ रहे हैं HSK 1 कोर्स कर रहे हैं जी, इसकी जो मीनिंग है HSK एक चाइनीज़ वर्ड है, ठीक है, अभी आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होते हैं जैसे कि आईएलटीएस टोफिल आप लोगों ने लगाए होंगे मेरे ख्याल से, सेम उसी तरह हम HSK बोलते हैं चाइनीज लैंग्वेज वाले को. और जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो HSK का लेवल 1 है और HSK के टोटल 6 लेवल्स हैं और 6 लेवल क्रॉस करने के लिए मैंने 3 साल लगाया है. तो आपको तो अंदाजा लगा है हम लोग 1 साल में कर लेंगे. एक साल में तो मुश्किल है, एक साल में अगर आप लोग 4 कर ले तो मोर देन इनफ है, एक साल में 4 तक कर सकते हैं, फिर दूसरे साल में 5th हो जाता है, फिर तीसरे साल में 6th हो जाता है, ठीक है. मतलब इसमें लिमिटेड वर्ड्स हैं, HSK 1 जो अभी आप लोगों का जो लेवल है इसमें 200 वर्ड्स हैं, 200 चाइनीज वर्ड्स सीखना है आप लोगों ने, फिर आप लोग 2 में जाओगे फिर 400 वर्ड्स हो जाएंगे, फिर 3 में जाओगे 600 हो जाएंगे, 4 में 1200, फिर उस तरफ 5 में 2500 हो जाएंगे और 6 में पहुंच जाओगे 5000 वर्ड्स आप लोगों ने याद करने होंगे. समझ में आ गई मेरी बात? ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट इस तरह इन लोगों का, लेकिन आप लोगों की जो फर्स्ट लास्ट में जो हमारे कोर्स कंप्लीट के बाद जो टेस्ट होगी वो HSK 1 की तरह ही होगी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तरह ही होगी जो आप सबको देना होगा, ठीक है. स्पोकन होगा या रिटन होगा? नहीं, रिटन होगा. वाइवा मैं डिस्कस करता हूँ मैनेजमेंट वालों से, लेकिन रिटन तो कंफर्म होगा. मतलब स्ट्रोक मूवमेंट्स वगैरह वो सारा ये जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, मतलब इसमें जो हम करेक्टर है वो भी होगा क्या? मतलब जो करेक्टर हम राइट करते हैं, जो करेक्टर्स लिखते हैं वो भी जी करेक्टर्स राइटिंग होगी, उनको करेक्टर्स को अरेंज करना होगा. मोस्टली एमसीक्यूज होंगे, मोस्टली एमसीक्यूज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स होंगे, और आप लोगों को सिर्फ बस लास्ट में एक नोट लिखना होगा, इंट्रोडक्शन, अपनी इंट्रोडक्शन पे एक नोट होगा या माय फ्रेंड या माय सेल्फ, इस तरह का सिंपल सा नोट होगा. सर फिर हम अभी सीखेंगे ये अरेंजमेंट वगैरह इस लेवल में? नहीं, आप लोग 3rd लेवल पे पहुंचते ना उसमें सीख जाते हो, लेकिन हम इस टाइम वो थोड़े तेज जा रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है आप सब लोग कर सकोगे, इसी लेवल में आप लोग कर सकते हैं, अरेंज और अरेंज हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, बाकी आप लोगों का ऐसे लिखना, एक शॉर्ट ऐसे लिखना, इंट्रोडक्शन, अपनी इंट्रोडक्शन देना या किसी अपने फ्रेंड की इंट्रोडक्शन या अपनी फैमिली की इंट्रोडक्शन, इस लेवल में आप लोग सीख सकोगे. मैं फुल कोशिश करूंगा आप लोगों को ये सब सिखाने की, ठीक है. इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था, जो शुरू में ही बताया था जो आम बंदे 6 महीने में पढ़ते हैं वो हम 1 महीने में कवर करेंगे. और इस टाइम हमने जो पढ़ा है तकरीबन हमारे हार्डली 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और हमने तकरीबन 2 महीने वाला कोर्स पढ़ लिया है. मैंने खुद ये कोर्स किया स्टार्टिंग में, इतना सिलेबस पढ़ने के लिए मुझे तकरीबन 2 से 2.5 महीने लगे थे सिर्फ इतना ही पढ़ने के लिए, ठीक है जी. अभी आप लोग जितना पढ़ा है, जितना जैसे कि अभी आप लोगों ने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं तो 4 चैप्टर्स पढ़ने के लिए 2 से 2.5 महीने चाहिए होते हैं. मतलब हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं. बहुत ज्यादा माशाल्लाह, मेरी नसीब अच्छी है, आप बहुत काबिल स्टूडेंट मिले हैं मुझे. ओके सर, हाउ द ठीक है. और कुछ पूछना HSK के बारे में? हाँ, HSK 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिटन वाला HSK होता है इसमें लिखना होता है और दूसरा स्पोकन का होता है. रिटन वाले की 6 डिफरेंट फेजेस होते हैं, HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6. और जो स्पोकन वाली जो होती है, स्पोकन भी टेस्ट होती है, स्पोकन में 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं, HSK K1, HSK K2, HSK K3.
मतलब अगर हम ये लेवल जो कर रहे हैं ये तो स्पोकन का है ना, जी ये जो लेवल हम अभी कर रहे हैं ये स्पोकन का लेवल वन है। जी स्पोकन का लो, दोनों का लेवल वन है, लेकिन स्पोकन के लेवल वन के लिए आप लोगों को चाहिए मजीद एचएसके टू भी कर लेते हो फिर आप लोग कर सकते हो एचएसके के वन, स्पोकन का वन। इस टाइम में आप लोगों से रिटर्न आप लोगों से खुद करवा रहा हूँ घर पे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास क्लास के लिए शेड्यूल बना हुआ नहीं है, इस टाइम सिर्फ स्पोकन की है, इसलिए आप लोग खुद से लिखोगे, खुद से कैरेक्टर्स जान पाओगे। हो गए तो नीचे आ जाए जी, पेज नंबर 24 ओपन करें। ओपन तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोगों सब ने आंसर देना प्लीज। कितने बंदे हैं क्लास में? चार बंदे हैं मेरे ख्याल से, पांच। ये ग्रुप में संभल क्या कर रही है? अच्छा सर ये इसको ऐड कर देना ग्रुप में, तुम बोल को ऐड कर दो। चले जी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोगों ने छिंगता संग शो ऊंची आवाज में आंसर देना है। क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने बताया पेज 24 में लास्ट वाला जो एक्सरसाइज 2 है उसके अंदर क्वेश्चन से, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है। ये सारे वही क्वेश्चन से जो हमने ऊपर टेक्स्ट में पढ़ा है, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोगों ने रियल आंसर देना है, रियल, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, निशिर्णा कोरन वोशे पाची से तान रहे हैं। वाशिर पाकिस्तान रन, वाशिर पाकिस्तान रन, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बट मुझे सिर्फ ये एना की आवाज आ रही है, बाकी सब भी पढ़ रहे हो? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सर पहले कनेक्टिंग हो रही थी। ठीक है हमने भी अभी स्टार्ट किया, सिर्फ अभी रिवीजन किया है, तो इस टाइम मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप सबने मिलके आंसर देना है, ठीक है? चलिए जी दोबारा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, निशिर्णा कोरन वोशी पाकिस्तान रन। गुड, वोशी पाकिस्तान रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको समझ में आ रही है ना? जी जी। एक्सलेंट। नी चाओ शम्मा मिंग्स ओचाओ है ना तुली। एक्सेलेंट, ओचाओ, गुड। है कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा गौर से सुने, कोई रीड करना चाहेगा क्वेश्चन? जी सर। संबुल मरी चले आप अभी आई हैं, संबुल मरी जी क्वेश्चन रीड करें जरा। पेज ओपन कर लूं। क्वेश्चन 3 थाशी वाला जी, पेज 24 क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक मिनट मैं खुद रीड करता हूँ, आप अभी आएंगे वैसे भी। चलो मैं रीड कर रहा हूँ आप लोग आंसर, मैं रीड कर रहा हूँ आप लोग आंसर पे फोकस करें, ठीक है? सुने जरा गौर से, नीता खान यू लाओ शिर शिर ना को रन थाशी भाचे से तान रन। गुड, दोबारा, नीदा हां यू लाओ शिर शिर ना कोरन थाशी भाचे से तान रन। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? वो पूछ रहा कि आपके चाइनीज टीचर कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सादिया आप क्लास में है? सादिया जी जी सर क्लास, ये क्वेश्चन समझ में आ गई आपको? जी। चले अभी आपने आंसर देना, ठीक है? नीदा हान यू लाओ शिर शिर ना कोरन। आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं इसको? जी इसकी आंसर देता, आंसर किस तरह देंगे? वाउची बाचिस्तान रन। नो था ही, मतलब वो मेरे बारे में पूछ रहा है इस टाइम।
मतलब मैं आपका चाइनीज टीचर हूँ, तो आपका चाइनीज टीचर कहाँ से है? नीता हान यू लाओ शिर शिर ना कोरन जी. चल जी आंसर देते. मैं जी जी सादिया जी दासी बाचिस्तान रन. एक्सलेंट हाशिर पाजिस्तान रन. मैं सब पढ़े दोबारा साथ. हाशिर पाकिस्तान रन. हाशिर पाकिस्तान रन. गुड. अभी फ्लुएंट पढ़ा आपने. परिया आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है पर मुझे पता नहीं है आप बता क्या रहे हैं. पेज नंबर 24 के लास्ट पे जो एक्सरसाइज है वो है. पेज 20 आप पास में भी आई है? हाँ जी. क्लास में आप स्टार्ट से हैं क्या अभी आई हैं? सर मैं स्टार्ट से हूँ. तो मैंने बताया था पेज 24 पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं हम. पेज 24 की बिल्कुल लास्ट में. सर मैं लास्ट वीक से आई नहीं हूँ क्लास में, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ कि आप क्या पढ़ा. अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है. सॉरी फिर हमारे गलती है. अभी पेज 24 ओपन करें जी. आपने पहले ये बताया आपने रिकॉर्डिंग सुनी है आपने लास्ट क्लास की? नहीं सर. गुड. तो खैर कोई मसला नहीं. तो हम अभी कर रहे हैं तो टेक्स्ट, तो मतलब टेक्स्ट का आपको तो थोड़ा भी मतलब समझ नहीं होगी. फिर टेक्स्ट की समझ नहीं होगी आपको. तो ये जो क्वेश्चंस है ना इस टाइम जो हम पढ़ रहे हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस है जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड टेक्स्ट 3 में. बाकी स्टूडेंट्स को पता है ये ऑलरेडी हमने एक एक दफा पढ़ी हो. सर का नेट इशू है. मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था. तो अभी आवाज आ रही है आपसे? जी आ रही है. तो राबिया आप हैं क्लास में? राबिया ने नहीं लेनी आज क्लास, उनका मैसेज आ रहा है ग्रुप में. नहीं राबिया कह रहा हूँ. स्टार्ट. अभी जो हमने एक्सरसाइज में तीन क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें से किसी मतलब कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में आई हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन निशिर्णा कोरन इसकी समझ. गुड. क्या फरिया आपको इसकी समझ है? समझ रही हो तो फिर आपको समझ आ रही है तो फिर कोई मसला नहीं है. ये सारा हमने टेक्स्ट में पढ़ा है एक दफा, तो वहीं मैं दोबारा पूछ रहा हूँ. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं. नेक्स्ट. मेरा नाम आप सबको पता है? सर. गुड. नीदा हान यू लाओ शिर जियाओ शिमा मिंग्ज. अच्छा वसीम. नीदा हान यू लाओ वदा हान निवे लाओ शिर जियाओ. पूरा बताए ना. एक मिनट मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. नीता हान यू लाओ शिर जियाओ शिमा मिंग्ज. वोशी खान यू लाओ शिर था चियो वसीम. वदा हान यू लाओ शिर जियाओ वसीम. गुड गुड परफेक्ट. फरिया ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई? सर नहीं आई. सर
क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन ना इसका आंसर दोबारा बोल दे, क्योंकि कल वाली क्लास नहीं ली ना, वो लास्ट वाला लेक्चर जो था वो नहीं लिया था वाइवा की वजह से, तो इस वजह से आप ये दोबारा बोल दीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर आंसर तो बोलने का तरीका मैं बताऊंगा, एक नहीं हमने yes, ये नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये एक जनरल जनरल सी चीज है, जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह है, पहले क्वेश्चन एक दफा से सुने, नीदा हान यू लव शेयर क्या उससे मीन्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कायनात सर, आपके टीचर का नाम क्या है, आपके चाइनीज टीचर का क्या नाम है, यस सर, चाइनीज टीचर से मींस कि आप जो चाइनीज पढ़ा रहे हैं उसका नाम, यस सर, लाजमी नहीं है कि चाइनीज ही हो, यस सर, वो पाकिस्तान जी आगे, ठीक है, इसकी आंसर किस तरह होगी, नी पूछ रहा वो आप सर, नी तो आप हो गई, नी मतलब कि आप, वो मींस मैं, तो नी के जो ऑपोजिट होगी आंसर में वो से स्टार्ट होगी, तो आंसर किस तरह होगी, वो द हान यू लव शेयर चाओ वसीम, मेरे चाइनीज टीचर का नाम वसीम है, वसीम है। तो चलो जी दोबारा चाइनीज में क्वेश्चन पूछो जी, कायनात यस सर, क्वेश्चन पूछो, आपके चाइनीज टीचर का क्या नाम है, ट्रांसलेट इट, नीता हानियू लाउशी क्या ओशन मामिंग्स, एक्सेलेंट, नीता हानियू लाउशी क्या ओशन मामिंग्स, फरिया आंसर देता है, चलो मुझे नहीं पता, फरिया आप क्लास में, अभी जो कायनात ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देते प्लीज, फरिहा आवाज आ रही है मेरी, जी सर बिल्कुल आ रही है, पर मैं आंसर कैसे दूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही सर, व्हाट इज योर नेम वाला हमने पढ़ रहे हैं जी, फोर्थ वाला, ये तो मैंने नहीं पढ़ा ना, ये तो मैंने आपकी क्लास ही नहीं ली, लास्ट क्लास आपने नहीं ली है, मतलब मैंने लास्ट नहीं पूरा लास्ट वीक क्लास नहीं ली, पूरा वीक नहीं लिया फिर, ये मैंने पूरा वीक नहीं ली, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग सुननी होगी, पहले आप काम करें क्लास के बाद, आज की क्लास तो ले लें, क्लास के बाद फिर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग एक दफा सुन लें, बुक है आपके पास, जी जी बिल्कुल है, गुड, बुक खोलें और रिकॉर्डिंग एक एक दफा सुना है सिर्फ, जी सर, लाजमी है, लाजमी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरे वीक की एक दफा सुन लें, उसके बाद फिर आपको मजा आएगा क्लास में, जी सर ठीक है, क्योंकि जितना सीखते जाएंगे, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी स्टूडेंट्स को अंदाजा हुआ होगा, रोजाना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, लेकिन आपको अचानक बीच में ये तो अजीब सा लग रहा होगा, अजीब सी आवाजें लग रही होंगी, जी सर वो मैं वही सुन रही थी, वो देख ही रही हूं, मुझे मिल भी नहीं रहा था, नहीं अगर पूछ ले आप फौरी पूछ दे, पेज नंबर ना मिले या कहां पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये जरूर बात बाकी सबके लिए भी, क्वेश्चन ना मिले तो फौरी पूछे आप सब, या एक्स्ट्रा किसी और स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, मसला नहीं है, तो ठीक है आप एक काम करें फरिया, आप क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर बाकी स्टूडेंट्स भी, अगर किसी का लेक्चर मिस हुआ है सुने, उसके बाद समझ में ना आए तो फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी सर, चले जी, तो फरिया आप अभी फिलहाल सुने, तो आंसर जो जिसका आंसर आए वो देते जाएं, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी गौर से सुने, चले जी, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, फोर्थ वाला परफॉर्म था, क्या उसके में नीदा हान यू लव शी चाओ सम मीन्स, बाउ दो हान यू लव शी चाओ वसी, हान यू लव शी चाओ वसी, बट कौन सा पेज था यार, 24 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चेंज कर रहा हूं मैं, नीदा ट्रंक ऑफ हंग योर शीर्षे
इसको क्वेश्चन चेंज क्वेश्चन समझ में आ गई जी ये सर कि आपकी कोई पाकिस्तानी फ्रेंड है। गुड, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के शायद चाइनीज के साथ कभी आप लोग कोई कांटेक्ट वगैरह हुआ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को चेंज करके पाकिस्तान का नाम रखा। अगर किसी का चाइनीज दोस्त है तो भी बता सकते हो चाइनीज नाम। पाकिस्तान का है तो अपने पाकिस्तान वाले दोस्त का नाम बताओ। नीदर पाकिस्तान फंग यो शिशे बोदे पाकिस्तान अह फंग यो थशी थशी नहीं, काम करो ना, इस तरह होगा इसका आंसर। वदा पाकिस्तान फंग यो शिशे वदा फौरी बात उस बंदे का नाम आएगा। ओके वदा दोबारा रिपीट करें। उसके बाद शेर के फौरी बात उस बंदे का नाम आएगा। आपका कौन सा दोस्त का नाम आएगा? दोबारा में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नीदा पाकिस्तान फंग यो शेर शे पाकिस्तान सीखा भी ले, समझ ले, अपना नाम भी ले, मसला नहीं है, लेकिन ये समझ ले। यो शी था युएन युएन। सर मैंने चाइनीज का नाम ले लिया। जी? मैंने चाइनीज का नाम ले लिया। गुड, युएन युएन। यस, था युएन युएन। ठीक है, वो आपकी चाइनीज फ्रेंड होगी। इसके बदले फिर वो चेंज करके पूछ सकता है द मेक को फंग यो शिशे नी द पाकिस्तान फंग यो शिशे नी द शी मेक हो मेक हो फंग यो। गुड, वो पुशी मेक हो फंग यो वो मेयो पुशी नहीं हो इधर वो मेयो वो मेयो मेक हो फंग यो मेयो वो हमें आगे पढ़ना है। मेयो और पुशी से वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मेयो लगता है, एडवांस बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट, तो ये टॉपिक का यहाँ तक के लिए काफी है। ये चैप्टर जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया सारा। चल लीजिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 पेज 30 Page 30. सबने ओपन किया? जी। रवि आपने ओपन किया पेज 30? चलिए जी रीड कर, टॉपिक का नाम क्या है? बस इंग्लिश बोल। सेकंड वाला दोबारा बताएं। न्यू आर यू जो हमने पढ़ा था ना, जो मुश्किल रीडिंग में आप लोगों को मुश्किल होता था। ये था कौन सा वाला फीमेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो जी इंग्लिश मीनिंग रीड करें। तो ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 5 था न्यू आर चिनियन आर्शियर सुई हर डॉटर इज 20 इयर्स ओल्ड दिस ईयर। चलो जी
year. Jinnian means Jinnian means के this year. एक मिनट हम पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, बाकी okay, जो ऊपर हेडिंग में जो जो वर्ड्स आ गए वो सारे हमने एक एक करके दोबारा पढ़ना है. हमारे जो न्यू वर्ड्स है उनमें ये चीजें ऊपर से जो आप लोगों को अभी समझ नहीं आ गई वो आ जाएंगे. ठीक है, तो हमेशा की तरह राइट साइड पे न्यू वर्ड्स, लेफ्ट साइड पे हमारा टेक्स. ठीक है, न्यू वर्ड्स नजर आ रही है. न्यू वर्ड्स ओपन किया आप सबने? जी सर. गुड, जो पहला वाला वो न्यू वर्ड है, कोई रीड करना चाहेगा? चल ट्राई करते हैं. जी सर. थर्टी नंबर पेज. जी पेज 30. ओके पेज. जी सर, क्या पढ़ना है? फर्स्ट वन. चिया. फर्स्ट चिया. अगर मीनिंग की हुई है फैमिली. फैमिली वो माय फैमिली किस तरह बोलेंगे? अबाउट चिया. व्हाट द चिया? अबाउट द व्हाट द चिया. इसमें किसी को मसला? नो. गुड, नीचे आ जाए. रीड कर मेरे साथ. कन वो तू यो 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 ये यू नहीं है, ठीक है? इंग्लिश वाला यू नहीं है. यो यो यो, यो कौन सा टोन है? थर्ड. थर्ड टोन. अप डाउन अप. यो यो इसकी मीनिंग शायद मैंने पहले बताया था आप लोगों को. जी एक दफा बताया था. एक दफा बताया था लेकिन यो एंड थीमा में. हाँ बिल्कुल, यो एंड थीमा. Do you have any problem? Have any problem? Good. Have any problem? Same wahi wala hai. Yo, aage meaning di hui hai. To have. There be. To abhi aap log sirf have wali meaning yaad kare. H-A-V-E. Reading tere dobara mere saath. Yo. Agar koi kahe aapse sentence banaye. Yo. Kya sentence banaoge? Do you have any problem? Do you have any problem? Your question. Ni yo wenti ma. Me wenti. Me yo wenti. Good. Chale ji. Yaar. Next uske baad kya hai? Third wala. खो कैरेक्टर को जरा गौर से देखें एक दफा. क्या है? नहीं कैरेक्टर. नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, कैरेक्टर कौन सा है इसका? कैरेक्टर पे एक दफा देखें. एक स्क्वायर बना हुआ है. जी सर. तो इसकी मीनिंग क्या हो सकती है? कोई गेस लगा सकता है? सर ऐसा स्क्वायर तो हमने ऊपर भी कैरेक्टर्स में पढ़ा था ना, जब हमने चोंको वाला पढ़ा था तो उधर भी हमने एक स्क्वायर टाइप ही पढ़ा था. हाँ स्क्वायर डाला था, उसके बाद बीच में एक लाइन आई थी. सेम वो वही वाला स्क्वायर ये है. इसकी जो मीनिंग होती है, यूज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? इसकी मीनिंग खो मतलब हमारे जो जबान नहीं है, जबान जी, जबान को खो बोलते हैं. खो खो आगे जबान.
पूरी जो जबान बोलने वाली जबान नहीं, जो हमारा जो मुंह नहीं है, नो 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 लैंग्वेज, मुंह वाला, हाँ बस नो टंग नो मुंह, मुंह में क्या क्या आता है आपके, लिप्स टंग पूरा जो मुंह नहीं है, मुंह को ये खो, चेहरा भी नहीं सिर्फ मुंह, उसको खो बोलते हैं, ठीक है। और सर आगे जो इसकी मीनिंग हुई है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मीनिंग क्या बताई उसने, अ मेजर वर्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, तो ये जो खो है नंबर्स ऑफ पीपल्स को भी लगता है, काउंटिंग जब करते हैं, फॉर एग्जांपल गुड, तो एक बंदा चीनी में पूछता है कि आपसे आपके घर में कितने बंदे हैं, तो किस तरह पूछेगा, मतलब सर वो स्पेसिफिक नंबर मेंशन नहीं कर रहा, बल्कि बस वो ऐसे ही रैंडमली नंबर कह रहा है कि कितने नंबर्स वगैरह का मेंशन कर रहा है, तो हम खो यूज करेंगे, तो कितने मुंह है, मतलब सिंपल सी इस तरह होती है इसकी प्रॉपर मीनिंग, लेकिन सर एग्जांपल दें, यूजेज इसकी इस तरह है, वो किसी से पूछता है, एक बंदा दूसरे से पूछता है कि आपके घर में कितने बंदे हैं, तो पूछेगा नीचा यो ची खो रन, रन जो नहीं है हमने जो बंदा पढ़ा था जी जी बंदर, yes, उससे पहले जो खो है वो रन पीपल्स का मेजर वर्ड है, सही है समझ आ गया, ठीक है उसका मेजर वर्ड है ये बंद, खो मींस भी रन, खो मींस भी पीपल में आता है और रन पीपल है ही है ये, ठीक है, जब ये दोनों साथ होंगे, जब ये दोनों साथ होंगे तो भी इनकी मीनिंग रन पीपल ही होगी, खो रन मतलब पीपल, बस वो हमने मेयर करने के लिए, हाँ मेयर करने के लिए जी सही है, ठीक है चले जी, जय तुई जय तुई, हाँ जी बताइए, सही फिर से बताइएगा समझ में नहीं आया, चले जी दोबारा एक दफा पढ़े, खो खो इसकी मीनिंग मुंह, चाइनीज में जो मीनिंग है सर मुंह को बोलते हैं खो, समझ में आ गई ये बात, यस सर, और इसकी एक और मीनिंग है, मीनिंग नहीं एक और यूजेज है ये, आगे उसने प्रॉपर बताया अ मेजर वर्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ फैमिली, लाजमी नहीं है कि सिर्फ फैमिली के हो, मतलब कोई भी बंदा, मतलब बंदे की जब जिक्र आती है तो उसमें ये खो लगता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था रन, रन जी जी तो रन हमेशा जब भी रन आएगा उससे पहले, हमेशा जरूरी नहीं है ये, जब लिमिटेड बंदों के बारे में पूछेगा रन से पहले हमेशा खो आएगा, तो जब ये खो जी पहले आएगा, मेजर वर्ड हमेशा मेन वर्ड से पहले आता है, ठीक है, तो जब कोई बंदा पूछेगा खो रन की मीनिंग बनेगी पीपल, सिंपल पीपल, और रन की जो मीनिंग है वो भी पीपल ही है, ठीक है, और जब सिर्फ खो आएगा तो वो मेजर वर्ड होगा पीपल के लिए, समझ आ गई मेरी बात जी सर, बताइएगा जी सर कोई एक सेंटेंस बताइएगा इस पे, सेंटेंस हम अभी पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा कि आपके घर में कितने बंदे हैं, तो चाइनीज में किस तरह होगा, नीचा यो कोरन, अभी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे उर्दू में बोलते हैं ना कि कितने अदद कह सकते हैं हम, कितने वो कितने, मतलब अदद कहते हैं बंदे, वो कह सकते हैं ओके, कितने बंदे हैं आपके यहां, कितने फर्ज या कितने बंदे, तो हम अभी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है अभी चल जय new words they do even chia ya chia yo yo ko 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 theek hai new words mein ko ke ilawa kya aur yo mein kisi ko masla no sir push chale ye shayad hoga masla lekin hum text padhenge to aap logo ko clear hoga, चले जी टेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं जी सर, गन वो तू हाउ द नीचा दोबारा
你家有几口人? 你家有几口人? 几口人? 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 One by one. 你? 你? 有? 有? 几口人？你家有几口人？你家有几口人？ Good. 安达扎，我给你，多少？口语 usage. 是 sir. 是 sir. 这个 meaning 叫什么？你家有几口人？ आपके घर में कितने लोग हैं? Good. How many people are there in your family? नीचे इंग्लिश में भी दी हुई है. Good. जी सर. सर इसमें एक वर्ड न्यू है. कौन सा न्यू वर्ड है? सर यो के बाद जी आ रहा है ना जो. ची ची वाला. ची वाला. ये न्यू आ रहा है. हाँ. ये सर ये न्यू आ रहा है. हाँ ये टेक्स्ट टू में उसने इसकी मीनिंग बताई है. ची जो है ना इसकी मीनिंग होती है हाउ मेनी. How many? Sir, yeah. How many और हाँ उसके लिए हो सकता है. Sir How लेकिन फिर खो जो है वो भी तो many के लिए ही एक तरह से use हो रहा है ना. नहीं हम नहीं, नहीं कितने बंदे जैसे हम उर्दू में बोलते ना कितने बंदे. अच्छा सही सही समझ आ गया. कितने बोलते ना कितने बंदे. जी जी सेम उसी की जो meaning है ना ची how many English में how many. ये अगर हमने खाली बोलना हो कि हाउ मेनी पीपल तो ची कोरन. हाँ ची कोरन हाउ मेनी. गुड ये सही बताया आपने. ची कोरन हाउ मेनी पीपल. जी सर ये है कहीं. हाँ ये भी बता दो कौन सा. ये जो ची जो अभी आपने पूछा ना ये उसने टेक्स्ट टू में उसकी मीनिंग दी है. टेक्स्ट वन में उसने नहीं बताया. ठीक है तो हाउ मेनी लिखा हुआ है. कल के लिए मैं एक न्यू असाइनमेंट दे रहा हूँ. तो असाइनमेंट कुछ इस तरह है कि आप लोगों ने चाइनीज में नंबर्स फाइंड करने हैं खुद से. कितने नंबर्स? वन से लेके 20 तक. सारे के जो भी हो सके. क्या सर लिख के आने या ऐसे ही आप याद सुनेंगे? सिर्फ आप लोगों ने एक दफा रीड करना है. कोशिश करें. हाँ बल्कि एक दफा लिखे. भले एक काम करें ये असाइनमेंट से हट के एक है. ठीक है एक्स्ट्रा एक्टिविटी है. डिक्शनरी यूज करना है. डिक्शनरी यूज करना है. डिक्शनरी में सर्च सबसे पहले आप लोग सर्च करेंगे जीरो. जीरो को क्या बोलेंगे चाइनीज में? तो उसको आप लोग सुनोगे पहले. उसके बाद वन आप लोग सर्च करो इंग्लिश में टाइप करोगे तो वो देखोगे आप उसने डिक्शनरी में वन किस तरह बोला है. ठीक है उस तरह 20 तक आप लोगों ने सर्च करना है एक दफा. ये असाइनमेंट के अलावा एक्टिविटी आप लोगों के लिए. ठीक है मसला तो नहीं होगा किसी को करने में. 10 तक दे दें. ठीक है कल 10 तक फिर उसके बाद फिर आगे करेंगे. जी थैंक यू. आज 10 तक लिंक बोल लिंक. हाँ गुड चले. ये डिक्शनरी में आप लोग क्लास के बाद अभी नहीं अभी एक दो नंबर्स के बारे में भले हम पढ़ेंगे अभी. लेकिन क्योंकि मैंने टेक्स्ट में देखा उसने नंबर्स का कहीं पे कोई काम नहीं किया तो ये काम हमने खुद करना होगा. एक क्लास नंबर्स के लिए देंगे हम. ठीक है और कोशिश करेंगे इसके बाद जो है ना हम रोजाना एक दफा काउंटिंग करेंगे वन से लेके 20 तक या जितना पढ़ते जाएंगे दिन ब दिन हम नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे. इस तरह कोशिश करेंगे हम 100 तक पहुंच जाएंगे. ठीक है जी सर. आप लोगों को नंबर्स का भी पता होगा. चले जी कन वो तू नीचा यो ची कोरन. नीचा यो ची कोरन. ची कोरन. ची कोरन. को कोरन. नेक्स्ट इसकी आंसर किस तरह होगी? वोचा योसन
Vocha yosan koran. Vocha yosan koran. One by one. Wo, ki meaning? I. Cha. Family. 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 Yo. Have. Next वाला हमने नहीं पढ़ा, वो नंबर है सन, नीचे लिखा है थ्री. सन बोलते हैं तीन को चाइनीज में, और खोरन पर्सन मतलब जी लोग पीपल. तो देखिए इसमें आंसर की एक लॉजिक है, क्वेश्चन में उसने ची लगाया और नीचे नहीं, क्वेश्चन में ची है और आंसर में सिर्फ चेंजिंग क्या है, सन सिर्फ तीन की चेंजिंग है. जी सर. तो हमने आंसर किस तरह देना होगा, ची के जगह में हमने नंबर को फिट करना होगा, नंबर ऑफ पीपल फिट करना होगा. जी. ठीक है, बाकी नी नी एंड वो तो चेंज होंगे ही होंगे, वो तो कॉमन सी बात है. लेकिन मेन जो बात है, ची के जगह आंसर में सन मतलब नंबर लगेगा, कोई भी नंबर लग सकता है. थ्री पीपल इन माय फैमिली. गुड, बिल्कुल. देयर आर थ्री मेंबर्स इन माय फैमिली और इन आवर फैमिली. गुड, चलिए जी दोबारा एक दफा. वोचा योसन खोरन. वोचा योसन खोरन. गुड सर, एक बात पूछो. जी सर, जैसे अगर हम कहते हैं देयर आर थ्री पीपल इन माय फैमिली, तो माय फैमिली को एक्सप्लेन करने के लिए वो द नहीं लगाएंगे? वोचा नहीं, इसमें नहीं लगता. हाउ द, चलें जी, मतलब इसमें क्यों भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज है. तो जाहिर सी बात है, ग्रामर पेज है. हाँ, ग्रामर में बहुत ऊपर नीचे इनकी, लेकिन बहुत सिंपल है इनकी ग्रामर, इंग्लिश से बहुत ज्यादा सिंपल, इंग्लिश उर्दू से इतनी डिफिकल्ट नहीं इनकी ग्रामर. लेकिन मतलब हम अपनी ग्रामर से उसको टैली नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते. अगर हम कहें कि लेकिन एक मजे की बात यह ना, ये उर्दू के साथ थोड़ा कंपेयर होता है. ये देखना जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, नीचा यो चीखोरन, आपके घर में कितने बंदे हैं, ये टोटली उर्दू वाला ग्रामर ही आ रहा है इसमें, इस पे गौर करें तो. जी सर, टोटली उर्दू वाला ग्रामर आ रहा है, लेकिन इंग्लिश वाला मैच ही नहीं हो रहा है. जी, मेरे घर में तीन बंदे हैं. गुड, सेम वही आ रहा है, उर्दू वाला ही आ रहा है, ठीक है ना. तो समटाइम्स ये नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है उर्दू के साथ मैच कर रहा होता है, लेकिन इंग्लिश के साथ बिल्कुल नहीं कर रहा. नीचे देखो उसने इंग्लिश में मीनिंग दी हुई है, हाउ मेनी, लेकिन उसमें तो ची सेंटर में आ रहा है. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, तो चाइनीज में देखें तो फैमिली किधर है, यू किधर है, तो सब कुछ इधर उधर है, लेकिन उर्दू के साथ टोटली सेम है ये. जी सर, ये सेंटेंस सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं, लेकिन मोस्टली जगहों पे सेम आ रहा है. जी चले जी, नीचा योची कोरन. नीचा योची कोरन. ची कोरन. अभी कुछ पूछ रहा था कोई. सर, अगर हम कहना चाहें कि माय फैमिली, फिर हम वदा लगा सकते हैं? वदा चार रन होगा उसमें. वदा चार रन. सर ये क्या बात हुई? जी सर ये क्या बात हुई, ये भी तो सेंटेंस में भी तो हम यही एक्सप्लेन करें ना, माय फैमिली लगा सकते हैं, मसला है वदा भी लगा सकते हैं, ना भी लगाए इतना मसला नहीं है इसमें, ठीक है सर. लेकिन रीजन सच बताऊं क्यों का आंसर मेरे पास भी नहीं है, कि उनकी लैंग्वेज है. अगर किसी चीनी से भी आप जाके क्यों पूछोगे तो शायद वो भी कर, क्योंकि उसमें हम बता रहे हैं कि आई हैव और इसमें हम बता रहे हैं कि माय फैमिली, तो मे बी शायद थोड़ा ये डिफरेंशिएट हो. लेकिन आई हैव तो यो है ना. नहीं, सेम ही होगी ना उस तरह भी. फिलहाल इतनी गहराई में ना जाएं, लेकिन क्वेश्चन सही है. नहीं देखें, एक मिनट, जब द हम लगाते थे, जैसे माय बुक की सर ने एग्जांपल दी थी, हाँ, वो द शू,
ठीक है ना, तो उसमें भी तो हमने एक्सप्लेनेशन दी थी ना माय बुक. अब माय फैमिली में भी तो बहुदा चिया वाना चिया मेरे ख्याल आना चाहिए. मैं चलो ये भी पूछ लूंगा, लेकिन लगा सकते हैं, लगाएं तो भी मसला है, ना लगाए तो भी मसला है इसमें. ठीक है, ठीक है सर. लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा अपनी चाइनीज टीचर से, कंफर्म करूंगा. शायद मुझे लगता वो भी कंफ्यूज ही होगी. चले जी, दोबारा एक दफा. नीचा योची खोरन, नीचा योची खोरन, वोचा योसन सन खोरन, वोचा योसन खोरन. गुड. इन दो सेंटेंस में किसी को मसला? वाकई ठीक है. चले जी, टेक्स्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया. एक्टिविटी करनी ना? नहीं, टेक्स्ट टू भी पढ़ के करेंगे एक्टिविटी. फिर एक काफी है आज के लिए मेरे ख्याल. चलो फिर ठीक है, ये एक ही टेक्स्ट पढ़ लेंगे आज. बाकी टेक्स्ट टू और टेक्स्ट थ्री की कल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे. एक्टिविटी आगे पढ़े जी सर, आगे पढ़ते हैं फिर एक्टिविटी कर लेंगे. ठीक है, दो टेक्स्ट की एक्टिविटी एक साथ करेंगे. ठीक है जी सर. चले जी, टेक्स्ट वन में किसी को मसला तो नहीं है? नो सर. चले जी आ जाए फिर टेक्स्ट टू की तरफ. टेक्स्ट टू न्यू वर्ड्स, राइट सर, व्हेन हमारे न्यू वर्ड्स हैं. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे हमारे न्यू वर्ड्स. कैन वो तू हाउ द न्यू आर न्यू आर सही नहीं निकल रही आवाज. You are एक काम करें ना, इसको जो डिक्शनरी में मैंने जिस तरह बताया था ना, डिक्शनरी में उसको ओपन करें, उधर उधर एक दफा सुने, दिन में एक दो दफा उधर सुनने की कोशिश करें. ठीक है, यू आर की जो मीनिंग होती है डॉटर. डॉटर किसको बताते हैं आप सबको पता है? ठीक है, नेक्स्ट वाला सी जी. ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. हाउ मच? ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है ना एक मेजर वर्ड है, इसको किस तरह पढ़ेंगे? सुई. तो चाइनीज में इस तरह होता है कि कोई बंदा उम्र पूछे तो हमारे यहाँ इस तरह होता है कितने साल के हो आप, तो रिप्लाई किस तरह होगी? 25 साल, 30 साल का. तो चाइनीज में क्या होगा वो हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके लिए सिर्फ बता रहा हूँ. फर्स्ट नंबर आएगा कितने साल का है, उस साल के फौरी बाद सुई लगेगा, नंबर के फौरी बाद सुई लगेगा. जब भी आपसे कोई आपकी उम्र पूछेगा, उस नंबर के बाद आप लोगों ने सुई हर हाल में लगाना है, सिर्फ आप नंबर नहीं बोल सकते हो. तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, पहले नंबर लगाते हैं फिर वो ईयर लगाते हैं, जैसे 25 years old. तो सेम उसी तरह नहीं, इंग्लिश में समटाइम्स सिंपल नंबर भी बोलते हैं, आई एम 18, आई एम 20. नहीं वैसे जो हाँ प्रॉपर उसमें जाए तो, लेकिन बहुत जी सर एज बता के, मतलब कि 25 और 28, 30 फिर सुई लगानी है. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, समझ आ. इंग्लिश में कभी डायरेक्ट 18, 20 डायरेक्ट भी बोलते हैं, आई एम 20, आई एम 18. जी सर. और ज्यादातर तो आई एम 20 इयर्स ओल्ड, आई एम 50 इयर ओल्ड, इस तरह होता है. लेकिन चाइनीज में बिल्कुल इस तरह नहीं होता. चाइनीज में आखिर में नंबर के फौरी बाद सुई लगाना लाजमी है सब ने. ठीक है, किसी को मसला है इसमें? नो सर. नेक्स्ट वाला है ल ल ल ल ल ल
ठीक है ल रीडिंग में मसला नहीं है, इसकी जो मीनिंग है कभी भी कोई सेंटेंस आएगा चाइनीज में तो उसको पास्ट में किस तरह बोलेंगे? पास्ट में बात है नहीं, तीन टाइप होता ना, पास्ट पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो एक सेंटेंस को इसकी रिप्रेजेंट उसको पास्ट में करना है तो उस टाइम ल लगेगा। ल प्रेजेंट को पास्ट में करने के लिए ल नहीं, प्रेजेंट को पास्ट करने की जरूरत नहीं है, जो चीज पास्ट पास्ट में है वो तो पास्ट में ही है जी। तो अभी आप इस टाइम प्रेजेंट में हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में वाज लगता है, डब्ल्यू ए एस जी। तो चाइनीज में पास्ट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेंटेंस के आखिर में हम ल लगेगा, जब भी ल लगेगा तो मींस कि वो सेंटेंस पास्ट का है, और अगर ला ना लगे तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। समझ में आ रही है बात? जी सर, आपकी समझ। किसी को अभी कोई कुछ पूछ रहा था सर? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहूं कि मैं स्टूडेंट थी तो उसको क्या कहेंगे? मैं वो सिचुएशन नहीं, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं। नहीं, कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें वर्ब हो। अच्छा, वर्ब के साथ। जैसे मैंने ये काम किया, जैसे कि वो वदू, हाँ ये बात है, वो श्वेश वो, हाँ वो तू शूला, वो श्वेशीला, मैंने पढ़ाई की, ये सारे पास्ट की हम बात कर रहे हैं। वो तू शूला, सही है सर, समझ आ गया। गुड, ला लगेगा तो पास्ट एंड में लगनी है, वर्ब के एंड में। जी बताएं। ला मतलब कि वर्ब के बाद लगानी है तो नहीं, लास्ट में लगेगी ये सेंटेंस के, बिल्कुल लास्ट। जैसे था होता है ये वैसा है? हाँ था होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में वाज, उर्दू में था, और चाइनीज में ला। गुड, ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाएं। ये ऊपर चार में किसी को मसला तो नहीं है? नो, पहले वाले के अलावा नो सर। उसमें भी सिर्फ रीडिंग की मसला है, बाकी आप लोग कभी सुन लोगे, कोई बंदा न्यू वर्ड बोलेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ओ ये किसी की बेटी के बारे में बात कर रहा है। समझ तो मतलब समझ सकते हो, फिर भी काफी है। ठीक है, सही है सर, नीचे आ जाए, क्योंकि इस टाइम आप लोग बिगिनर्स हो, इतनी एक्सरसाइज आप लोग की है नहीं, तो इस टाइम सिर्फ आप लोग किसी का सुन के समझते हो तो बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। चले जी नीचे आ जाएं। एट वाला चिन्यन, 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 ये एक ही वर्ड है, दो कैरेक्टर्स हैं, जे आई एन चिन, एन आई ए, एन आई ए एन, नियन, चिन्यन, चिन्यन, ठीक है। चिन से तो जो है ना, एक सेकंड, चिन जो है ना बहुत सी जगहों पे यूज होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ते जाएंगे। और आगे नियन, सिर्फ जो नियन ही है उसकी मीनिंग होती है ईयर, ईयर, जब कोई बोले मतलब 2020 ईयर है, जैसे इस तरह का ईयर। जी बिल्कुल, 2020 ईयर, उसको बोलेंगे हम चाइनीज में अर्लिंग, अर्लिंग नियन, अर्लिंग, अर्लिंग नियन। ठीक है, आगे आ जाएं। चीन नियन, चीन नियन, मीनिंग क्या है आगे? दिस ईयर, दिस ईयर, ठीक है, दिस ईयर, दिस ईयर, चीन नियन, चीन नियन, चीन नियन, चीन नियन, चीन नियन, चीन नियन। गुड, तो दोबारा एक दफा पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स, टेक्स्ट टू के न्यू वर्ड्स। कन वो तू, हिंता शंतु, इची तू,
start. You are. Next. इसकी meaning meanings का तो अभी सबको पता लग गया होगा. Next. Next. Sui. उसके बाद नीचे ल ल ल के ऊपर कौन सा ट्यून है? कोई ट्यून नहीं है. न्यूट्रल. ल ल ल गुड. ल नेक्स्ट चीनियन. चीनियन गुड. मीनिंग में मसला किसी को? नो सर. रीडिंग में सिर्फ एक भी मसला है वो मुझे पता है. मीनिंग में शायद किसी को मसला नहीं. नेक्स्ट आ जाएं जी टेक्स्ट की तरफ हमारे. सर एक्सक्यूज मी. जी जी. सर मुझे ना थोड़ा काम है अर्जेंट, तो मैं क्या लीव कर सकती हूँ? जी जी लीव करें, मसला नहीं. रिकॉर्डिंग है उसको बाद में सुने आप. सर आप होमवर्क बता दीजिएगा तो मैं होमवर्क में ग्रुप में बता ग्रुप में मैं बता दूंगा बाद में. ग्रुप में बता देंगे. चलें थैंक यू सो मच सर. ओके 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 सर अल्लाह हाफिज. तो देखिए नी की मीनिंग तो आप लोगों को पता है. यू आर योर डॉक्टर. हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी सुई इयर्स ईयर तो कितने साल जी सर. उम्र तो यहाँ नियन लगना चाहिए था ना? नहीं लेकिन, सर लेकिन चाइनीज का जो स्टाइल है जो तरीका है वो इस तरह है. नियन नहीं लगता जब वो उम्र पूछते हैं तो सुई लगता है. ठीक है जी सर. आगे जी सर. मतलब जितने गुजर चुके साल मतलब जितनी उसकी उम्र है जो गुजर चुके इसकी मीनिंग क्या होगी कि आपकी बेटी की कितनी उम्र है? आपकी बेटी की कितनी उम्र है? कितने साल की है? जी सर. Nin your chisuila. Nin your chisuila. Nin your chisuila. Nin your chisuila. 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 Answer. Answer kis tarah hai? Can what? Howda. Ha jinian chisuila. Ta jin nian si sui la. Ta jin nian si sui la. Si jo hai na four ko bolte hain Chinese mein. Si. Theek hai? Four. One, two, three, four. Four ko si bolte hain. Three ko kya bolte the? Three को बोलते थे sun 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 sun. दो words का तो पता लग गया. तीन words का zero का और कौन सा पढ़ा क्या वो zero का भी zero पता चला. हाँ lean lean लेकिन search तो कर लेंगे आप लोगों ने सपने. चले जी दोबारा. हाँ चीन यान सिसुइला. हाँ चीन यान सिसुइला. सर एक बात. जी जी सर मुहर्रम का महीना है और मगरिब के बाद का वक्त है तो कोशिश ये करनी है हमने कि मगरिब या मगरिब से 5-10 मिनट तक क्लास जो है उससे आगे ना जाए. ठीक है तो उस हिसाब से तो फिर जल्दी स्टार्ट करनी होगी क्लास. तो इसलिए आज भी 6 बजे स्टार्ट कर रही थी तो कल भी इन सारों से रिक्वेस्ट है 6 बजे आ जाए ताकि हम 7:15 क्लास एंड कर सकें. अगर मसला नहीं है तो हम आधे घंटे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी को.
आधे घंटे पहले सर मैं ऑफिस से पहुंच रहा होता हूं। नहीं 5:30 बजे अगर किसी को मसला नहीं तो 4 स्टूडेंट्स इस टाइम नहीं सर रेगुलर आते हैं, अगर मसला नहीं है तो हम 6:30 बजे ठीक है। ठीक है हम कोशिश करेंगे, बस हम नेक्स्ट 5 मिनट में क्लास ओवर करना है, 5 मिनट में क्लास कराऊंगा। कल से नहीं कहिए 6 बजे एग्जैक्ट आज क्लास। ठीक है हम कोशिश करेंगे 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट हम क्लास ओवर करें। ठीक है उस तरह आप लोगों को नमाज के लिए महरम भी है वैसे तो इजी हो जाए सबके लिए। तो ठीक है एक्टिविटी तो खैर मुझे नहीं लगता आज होगी, एक दफा हम ये रीड करेंगे न्यू वर्ड्स, आप लोग रीड करें मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सिर्फ न्यू वर्ड्स, हाँ न्यू वर्ड्स, उसके बाद फिर टेक्स्ट एक दफा रीड करेंगे, उसके बाद फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है चलो जी 1 2 3 स्टार्ट। जिया बी श्योर, जिया या जो, जिया यो, जिया यो ओ नेक्स्ट आगे है न्यू आर गुड जी सुई फॉर्च्यून सुई गुड ला la 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 good jinian excellent jinian चलो जी टेक्स्ट एक दफा फिर पढ़ेंगे उसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे, लेकिन कल दोबारा हम एक दफा पढ़ेंगे ये। ठीक है दोबारा एक दफा रीड करेंगे उसके बाद फिर एक्टिविटी होगी उसके बाद फिर हम अपना टेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है चलो जी कन वो तू हाउ द टेक्स्ट 2 पढ़ना। ठीक है सर ये हम खुद ही पढ़ लें। ठीक है चलो आप लोग पढ़ें मैं सुन लेता हूं। नी न्यू ईयर ची सुइला ई सुइला ची सुइला गुड नी न्यू ईयर ची सुइला गुड आंसर था चीनियन चीनियन सुइला 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 था चीनियन सुइला था चीनियन सुइला आई थिंक सर का नेट प्रॉब्लम हो गया दोबारा। क्लास एंड कर देनी चाहिए फिर बंद कर देते हैं लीव कर देते हैं फिर। ओके मैं लीव कर रही हूँ।